खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत पर हमले का धमकी भरा एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि मेरी हत्या की साजिश नाकाम हुई है। मैं 13 दिसंबर को संसद भवन पर हमला करके उसका जवाब दूंगा। मोदी गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू किल मी फॉर ऑर्गेनाइजिंग खालिस्तान रेफरेंडम एंड आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड। माई रिस्पॉन्स ऑन 13 दिसंबर विल बी इन कंट्रास्ट टू अफसल गुरुज 2001 resistance against extrajudicial killings of Kashmiris, but still my response is going to shake the very foundations of Indian Parliament. Modi and India, are you ready to face my response, which is going to shake the very foundations of Indian Parliament? Delhi banega Khalistan. पन्नू ने वीडियो में कहा है कि भारतीय एजेंसियों ने उसकी हत्या की प्लानिंग की थी, जो कि नाकाम हुई। उसके हमले की प्लानिंग के जवाब में वो 13 दिसंबर को संसद पर हमला करेगा। बता दें कि पन्नू ने संसद भवन पर हमले के दोषी अफजल गुरु के साथ वीडियो में एक पोस्टर भी जारी किया, जिसमें लिखा था, दिल्ली बनेगा पाकिस्तान। अभी हाल ही में अमेरिका की तरफ से जारी बयान में अमेरिका की एजेंसियों ने एक भारतीय शख्स को गिरफ्तार कर पन्नू की हत्या की साजिश नाकाम की थी। गौरतलब है कि पन्नू के इस वीडियो के बाद भारत में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर आ गई हैं। अमेरिका के विदेश मामलों के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इस मामले में कहा है कि छानबीन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, अभी तहकीकात जारी है। This yesterday, and I said I wouldn't comment on the underlying substance because it is an ongoing law enforcement matter, and it would be inappropriate for me to do so when DOJ is presenting a case in court. But I also made clear that we have noted at the most senior levels of this government, the Secretary of State has raised this directly with his foreign counterpart, that we take this issue very seriously. They told us they would conduct an investigation. They have publicly announced an investigation, and now we'll wait to see the results of the investigation, but it's something we take very seriously. गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने अपनी भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली को अमेरिकी धरती पर एक सिख आतंकी की हत्या की नाकाम साजिश का मुद्दा उठाया था। उन्होंने इस मामले में कथित भारतीय लिंक की जांच के लिए भारत द्वारा की जा रही जाँच में जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को जवाबदेह ठहराने के महत्व से अवगत भी कराया था। जॉन फाइनर की भारत की हाई प्रोफाइल यात्रा समाप्त होते ही व्हाइट हाउस ने बयान जारी करके कहा था कि घातक साजिश की जांच के लिए भारत की जांच की कोशिश को स्वीकार किया और इस मामले में जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत को रेखांकित भी किया।